नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बजट में मोदी की गारंटी नजर आती है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। 58 मिनट लंबा उनका भाषण रहा। बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डायरेक्टर और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, साथ ही साथ इम्पोर्ट ड्यूटी, इसके लिए भी समान दरों को बरकरार रखा है। आपको बताएं कि अंतरिम बजट है, अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। अंतरिम तौर पर आप ये कहें कि अगर बजट पेश किया गया है तो ज्यादा प्रावधान नहीं होने थे, नई नीति इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, और इसी के चलते कुछ चीजें जिसमें महज ग्रोथ और विस्तार आपको नजर आएगा, कोई नई नीति नहीं जोड़ी गई है। टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की छूट नहीं, मिडिल क्लास को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं, महज किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों का ये बजट, इन चार वर्गों को टारगेट किया गया है। ये वित्त मंत्री की तरफ से खुद ही कहा गया है। ये कुछ बड़ी बातें जो इस बजट से जुड़ी हुई हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, आयकर दाताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं। जो फाइनेंशियल ईयर बीते दिनों में आपने देखा, उसी दौरान जो आंकड़ा जाहिर किया गया था, उसी प्रकार से आपको इस बार भी टैक्स जमा करना होगा। युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ का फंड, 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ये कुछ चीजें जो कि आने वाले समय में सरकार करने वाली है, इस बात का भरोसा दिया है। छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार होगा, बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा, कह रही थी वित्त मंत्री। 517 हवाई मार्ग तय हो चुके हैं, इन पर भी जैसे ही काम शुरू होगा सीधे जानकारी पहुंचेगी। टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, इस बारे में भी उनकी तरफ से कहा गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कमेटी बनेगी, ये भी एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा की जा रही है। मिडिल क्लास को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये 10 बड़ी बातें आज के बजट की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बजट में मोदी की गारंटी नजर आती है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट जब पेश होगा, उससे पहले सरकार का यह आखिरी बजट है, अंतरिम बजट जिसे कहा जाता है। कोई नई नीति नहीं होती, बस विस्तार आप कर सकते हैं, और उसी प्रकार का विस्तार आपको नजर आया होगा इस बार बजट में। कुछ प्रावधान जो कि तय किए गए आने वाले समय के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, खासतौर पर इन विभागों पर ध्यान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस, कई चीज़ें जो देश के विकास में भागीदारी निभाने वाली हैं, उसका जिक्र जरूर है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की तारीफ की, कहा कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 बनी, इस लिहाज से बजट है। सीएम ने कहा कि गरीब, महिला, युवाओं का बजट है और पीएम का जो सपना है उसकी झलक बजट में भी दिखती है। सुनिए। गरीब, महिला, सर्वहितेशी, सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए, खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है, ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है। और उसी प्रकार से ये जो देश की चौथी, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है, और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी रिएक्शन। उनका कहना था कि पीएम का फोकस गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और किसानों को लेकर है। कैलाश विजयवर्गीय ने बजट को देश के विकास का बजट करार दिया है। देखिए, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और किसान, ये चार वर्ग को इस बजट ने एकदम प्रभावित किया है। चाहे किसानों की बात करें हम, चाहे युवाओं की बात करें हम, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें हम, तो बहुत गरीब कल्याण, कुल मिलाकर ये बजट देश के विकास का बजट है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, 1,000 साल के बाद के देश के बारे में सोचना है। ये बजट में आप देखेंगे कि 2047 शताब्दी पूरी होगी हमारी,
उस वक्त का ध्यान रखना बजट दूरगामी बजट है, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है महिला किसान दोनों के हित में प्रधानमंत्री जी का। और दूसरी तरफ विपक्ष का क्या सोचना है ये भी आपको बताएं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया। उनका कहना था कि महिलाओं के लिए बजट में कुछ खास नहीं दिखा है, जबकि बजट से काफी उम्मीदें थी उनको। सुनिए, विजन वाला बजट नहीं है ये, कहीं से कहीं तक किसी भी वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला बजट नहीं है। निश्चित तौर से लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय में घोषणाएं करके गए थे, हर महिला को इससे उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं आएंगी, कीमतों में कमी करने के लिए कुछ काम किए जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि बजट में ना तो महिलाओं को महंगाई से राहत देने के लिए कोई काम किया गया है, ना ही मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में जो महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके लिए कोई कार्य योजना दिखाई गई है, और ना ही रोजगारों के माध्यम से महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जा सकता है उसके प्रति कोई योजना इसमें दर्शाई गई है। कुल मिलाकर इसमें ना तो महिलाओं की कोई परवाह की गई है इस बजट में, ना युवाओं के लिए कोई कार्य योजना है, और ना ही किसानों के लिए कोई कार्य योजना है। ये केवल लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने वाला बजट है, कहीं से कहीं तक विजन वाला बजट नहीं है। महिला कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी राय रख दी, कहा कि महिलाओं को नाखुश करने वाला बजट, किसी प्रकार की कोई कार्ययोजना नहीं बताई है, महज बड़े बड़े सपने दिखाए हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम उम्मीदें थीं, महंगाई को लेकर भी, टैक्स की छूट को लेकर भी, लेकिन ये उम्मीदें बजट में किसी भी श्रृंखला में नजर नहीं आई हैं। वित्त मंत्री की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर भी रिएक्शन महिलाओं का कुछ खास नहीं। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई खास उम्मीद इसमें उभरती हुई नजर नहीं आई है। तो ये विपक्ष का रिएक्शन, जिसका अनुमान पहले से ही लगाया गया था, भले ही चुनावी बजट के तौर पर इसे देखा जाता हो, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा प्रावधान नहीं जिससे सशक्तिकरण अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को मिल सके, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। दोनों ही तरफ से रिएक्शन हमने आपको बताया है, पक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या सोचता है। मध्य प्रदेश में खास तौर पर सियासत किस बात को लेकर अब बढ़ सकती है ये भी आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जो ये कह रहे थे कि 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है उसे जरूर पूरा करेंगे, और उसी सपने को रिफ्लेक्ट करने वाला ये बजट उभर कर आया है जिसमें मोदी की गारंटी दिखाई देती है। कुछ ऐसे प्रावधान जरूर हैं जो आने वाले समय में धरातल पर अगर उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा खास हो जाएंगी ये तमाम चीज़ें, वो लाइमलाइट होंगी फिर बजट की। हालांकि पूर्ण बजट का इंतजार चुकी रहता है देशवासियों को, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव, आम चुनाव के बाद एक बार फिर से पूर्ण बजट की रूपरेखा आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले एक विजन सरकार को जरूर स्पष्ट करना होता है इस बजट के जरिए, ये बताना होता है कि क्या किया है और आगे क्या करेंगे, यही चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट की गई हैं। विपक्ष को इसमें भी दिक्कत, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई खास प्रावधान नहीं होने के चलते ये निराशाजनक बजट है। तो ये जानकारी निरंतर जिस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं, बजट से काफी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई खास राहत नहीं मिली है। टैक्स स्लैब को लेकर बीते फाइनेंशियल ईयर में जरूर राहत दी गई, लेकिन ये भी माना गया था कि इस बार तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन आयकरदाताओं को कोई राहत मिलती नज़र नहीं आती है। हाँ, युवाओं के लिए ज़रूर कुछ और चीज़ें जो प्रावधान के तौर पर जोड़ी गई हैं, उनको राशि देने वाली बात हो, स्टार्टअप्स को लेकर जिक्र हो, हर चीज़ मद्देनज़र रखी गई है।